Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से। रंजीत कुमार की खबर के अनुसार मोतिहारी जिला के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह को मोतिहारी से अपने घर मंगलापुर लौटते वक्त मटबनवारी के पास अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाद बिहार नवयुवक सेना से अजीत सिंह ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अमित कुमार की खबर के अनुसार पत्रकारों एवं यूएनआई से जुड़ी समस्याओं की गूंज आज दिल्ली के कोर्ट में भी सुनाई दी। वकीलों के बीच चर्चा ये भी रही कि आखिर महा घोटालेबाज प्रफुल्ल माहेश्वरी से जुड़े मामले को सरकार क्यों नहीं सीबीआई को सौंप रही है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद कुमार चौधरी, पीके झा, रवि शर्मा और रश्मिता नायक ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि देश में पत्रकारों को समुचित सुविधा प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग का समर्थन करते हैं। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर देती शॉर्ट फिल्म हंसराज लोहार द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म गुड़िया को स्पेशल क्रिटिक अवार्ड दिया गया। नई दिल्ली के मुक्तधारा ऑडिटोरियम में सपना एंटरटेनमेंट और सहयोग एक प्रयास ने मिलकर दिव्यांग कलाकारों की सहायता के लिए बुलंद हौसले ऊंची उड़ान नामक एक म्यूजिकल चैरिटी शो का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं से सभी को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर डॉक्टर अरुण कुमार, जगत पहलवान, मनीष सिंह, सिंगर राकेश कपूर, शादाब साबरी, पूजा आनंद, सिने आजकल न्यूज के मुख्य संपादक कुमार समद मौजूद रहे। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर का शासन चौथी बार राज्यपाल एनएन वोहरा के हाथ में आ गया है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार गिरने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। राज्य में अब तक 8वीं बार राज्यपाल शासन लगा है। राज्यपाल वोहरा ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने आज श्रीनगर में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा बल अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 600 से अधिक जिलों के किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि आय बढ़ाने के लिए सरकारी नीति में चार बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये कदम लागत खर्च में कटौती, फसलों की उचित कीमत, उत्पादों को खराब होने से बचाना और आय के वैकल्पिक स्रोत बनाना है। हमारी सरकार के पहले 4 सालों के दौरान उनके पहले की यूपीए सरकार के 5 सालों की तुलना में कृषि क्षेत्र का बजट दोगुना करके 2.12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेल रही भाजपा ने एक और बड़ा फैसला किया है। हर साल 23 जून के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाने वाली बीजेपी इस बार इसे और बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। सरकार की शहादत के बाद जम्मू संभाग में उत्साह से लबरेज पार्टी कैडर में नई स्फूर्ति का संचार करने खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने के बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी में ही फूट पड़ गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 विधायकों ने आज राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये चारों विधायक महबूबा मुफ्ती से नाराज हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने विधायकों से मिलने की बात को खारिज कर दिया है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया, मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है sineaajkalindia@gmail.com। गोवा में बीजेपी नेता वासुदेव परब की फर्म पर पड़े राजस्व विभाग के छापे में कई खुलासे हो रहे हैं। उनके फर्म पर पड़े छापे में कुल 100 किलोग्राम कच्चा कैटामाइन मिला था, जिसके बाद से ये काफी बवाल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कच्चा कैटामाइन गोवा में पूरी तरह से बैन है, जिसके बाद से ही बीजेपी नेता मुश्किलों में है। साथ ही अपने बचाव में उन्होंने सफाई भी दी है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाए जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मांग की है। उमर ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को तुरंत भंग किया जाए और जल्द से जल्द, जब भी उचित हो, नए सिरे से चुनाव कराए जाएं।
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यह माना है कि बीजेपी पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि सरकार बनाने के लिए वो खरीद फरोख्त नहीं करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने मुंबई के साइबर सेल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है। राम कदम का आरोप है कि राहुल गांधी ने जलगांव के पीड़ित दो नाबालिग लड़कों की तस्वीर बिना चेहरा ब्लर किए ही ट्वीट की थी। आपको बता दें कि मंगलवार को ही राज्य के बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस देकर 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी मुख्यालय से कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित वेमुला के मामले पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहित वेमुला की मां ने विपक्ष को बेनकाब किया। साथ ही कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि रोहित वेमुला की मां ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम लीग ने उनके परिवार को घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तमिलनाडु की 19 साल की अनुकृति वास ने फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कॉलेज स्टूडेंट अनुकृति वास ने 29 प्रतिभागियों को हराकर मिस इंडिया का ताज अपने सर पर सजाया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी फर्स्ट रनअप और आंध्र प्रदेश की श्रेया राव सेकेंड रनअप रही। मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में मंगलवार रात स्टार से भरे ग्रैंड फिनाले में मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर ने अनुकृति को ताज पहनाया। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस्तीफा भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क का पहला गाना रिलीज हो चुका है। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म धड़क में जानवी की जोड़ी ईशान खट्टर के साथ खूब जम रही है। धड़क के टाइटल ट्रैक में जानवी और ईशान की जोड़ी कमाल की लग रही है। दोनों स्टार्स प्यार में डूबे दिखाई दे रहे हैं। गाने में जानवी की सादगी और ईशान की शरारतें आपका मन मोह लेंगी। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत।